ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा जो धर्मेश जी को मारे। एक हफ्ता हो गया इसकी नौकरी करते हुए, मुझे तो कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर खतरा नहीं था तो इसने हमें रखा क्यों? मार्केट जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, कभी कभी तो आटा लाने के लिए। इसके साथ साथ हमें भी जबरदस्ती की जॉगिंग करनी पड़ रही है। Come on guys, क्या है ये सब? तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम दोनों का फिट रहना बहुत जरूरी है। ये है तुम्हारा फिटनेस लेवल? जस्ट इंक्रीज योर फिटनेस लेवल। अगर कल को कोई मुझे मारने आ गया तो कैसे बचाओगे मुझे? बात तो ऐसे कर रहा जैसे खूनी आने वाला इसे मारने के लिए। बात बताओ कि तुम लोगों ने खून होते हुए देखा है? जी सर, खून होने के वक्त हम दोनों धर्मेश सर के साथ ही थे। तुम धर्मेश के साथ थे मतलब? हाँ सर, हम दोनों धर्मेश सर के बॉडीगार्ड हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला। तो क्या कर रहे थे ड्यूटी? हाँ, तुम्हारे सामने एक खूनी खून करके चला गया और तुमको पता भी नहीं। मेरा धर्मेश, मैंने मना किया था ना, घर से बाहर मत निकलना। वक्त बहुत खराब चल रहा है, देखो देखो क्या हो गया। आप कौन हैं? सर, मैं साइमा, मैं धर्मेश की गर्लफ्रेंड हूँ सर। हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए उनको? शायद बच जाते वो। सर, गोली लगने के अंदर 2 मिनट में उनकी मौत हो गई थी, तो हॉस्पिटल ले जाकर हम लोग क्या करते? कैसे हो सकता है 2 मिनट में कोई पेट में गोली लगने से मर थोड़ी जाता है। नहीं, गड़बड़ है। ये शीशी हमें धर्मेश की जेब से मिली। ये क्या दवाई है, कुछ पता है आपको? सर, मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, मगर धर्मेश इस दवाई को हमेशा अपने पास रखते थे। अच्छा अच्छा, आप अभी अभी बता रही थी कि धर्मेश का वक्त खराब चल रहा है, क्या परेशानी क्या थी इसे? सब लोग चलते थे मेरे धर्मेश से, उनकी दुश्मनी थी इनसे, और इसीलिए मेरे धर्मेश ने बॉडीगार्ड रखे थे। और कौन है वो लोग जो जलते थे इनसे? धर्मेश की सौतेली माँ आस्था और उनका बिजनेस राइवल शेखर, उन्होंने ही मारा है सर, उन्होंने ही मारा है मेरे धर्मेश को। खूनी को तो देखा होगा? कार में कोई दिखा नहीं, पर गोली कार में से ही चली। क्या कहा? गोली कार में से चली, लेकिन कार में कोई दिखा नहीं तुमको? यस सर। ये सच कह रहे हैं सर? मैंने अपनी आंखों से देखा था, गाड़ी में कोई नहीं था। उस कार में ड्राइवर ही नहीं, बिना ड्राइवर के कार चल रही थी सर। क्या पागलों जैसे बात करते हो तुम? बिना ड्राइवर के गाड़ी चल सकती है क्या? हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर थी जो गाड़ी को चला रही थी, या फिर कोई आत्मा थी। अच्छे खासे पढ़े लिखे दिखते हो,
और आत्मा जैसे बातों पर विश्वास करते हो, कोई आत्मा वात्मा नहीं होता, समझे तुम लोग? आत्मा ने किया होगा। गाड़ी के डिटेल लिए लिए, गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ नहीं सर। तो क्या खाप ड्यूटी कर रहे थे तुम? मैंने फोटो ली है सर, ये देखिए। देखा, ये काम तुम्हारा था, बॉडीगार्ड बन गए। आप जानती हैं किस वजह से उनकी दुश्मनी थी धर्मेश से? सर कुछ कुछ पैसों का ही मामला था सर, वो दोनों इसे मारना चाहते थे सर, मार दिया सर, उन्होंने ही मारा इसे। सर, हाँ दे। धर्मेश की गर्लफ्रेंड आई है साइमा, इसका कहना है कि धर्मेश की सौतेली माँ और बिजनेस राइवल शेखर ने मारा उसे। लेकिन दया, एक बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि गाड़ी में कोई था नहीं तो गाड़ी चली कैसे, और फिर गाड़ी में से किसी ने गोली भी चलाई कैसे धर्मेश पर? समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है, गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर कार में ड्राइवर नहीं था तो कार अपने आप ज्यादा दूर नहीं गई होगी। कार रुकने के बाद हो सकता है ड्राइवर बैठा हो और कार लेकर निकल गया हो। अगर ऐसा है तो फिर सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं तो दिखी होगी। हाँ तो दिखेगी ना, देखो ना ध्यान से, एक एक कार पे नजर रखो। डेनी ध्यान से देखो। जी सर। यस सर। ओके सर। या सर, हम लोग वो कार के बारे में ही पता कर रहे हैं। या कोई 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 बात नहीं सर, या मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके एसीपी साहब, डीसीपी साहब के साथ मीटिंग में फंस गए, बोले टाइम लग जाएगा, तुम लोग देखो। क्या पता चला इन तीनों के बारे में? यार जब धर्मेश का खून हुआ उस वक्त ये साइमा, आस्था और शेखर जॉगिंग ट्रैक के 15 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं थे। फिर कहाँ थे? साइमा और आस्था तो अपने अपने घर पे थे और ये शेखर डोंबिवली में था। यार ये भी तो हो सकता है इन्होंने किसी से फोन करवाया हो। हो सकता है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? नहीं, अगर पेट पे गोली लगी है तो एक इंसान कम से कम 2 घंटे तक तो जिंदा रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है, अगर टाइम पे इलाज हो जाए तो बच भी सकता है। बिल्कुल। तो फिर धर्मेश को गोली लगने के बाद 2 मिनट में उसकी मौत हो गई, इतनी जल्दी कैसे? करेक्ट। हाँ पंकज बताओ। क्या? आर यू श्योर? 2010। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। चलो आरटीओ से कंफर्म किया उसने, जिस कार से धर्मेश पे गोली चलाई गई है वो कार धर्मेश की है। क्या? हाँ कमाल है, खूनी ने धर्मेश का खून करने के लिए उसी की कार का इस्तेमाल किया। डैनी इधर। जी सर। धर्मेश के बॉडीगार्ड थे ना तुम? जी। तो फिर उस कार के बारे में कैसे नहीं जानते थे? सर मैं कुछ समझा नहीं। जिस कार पे बैठ के खूनी ने गोली चलाई है धर्मेश पे, वो कार धर्मेश की ही है, 2010 में रजिस्टर की गई है, तुम्हें कैसे नहीं पता? सर एक्चुअली मुझे और जगत को धर्मेश सर ने एक हफ्ते पहले जॉब पर अपॉइंट किया और हम दोनों बिल्कुल नहीं जानते कि वो कार धर्मेश सर की थी। अभिजी ऐसा तो नहीं कि धर्मेश के खून में उसके परिवार के किसी आदमी का हाथ हो जो आसानी से उसकी गाड़ी यू नो इस्तेमाल कर सकता था? हो तो सकते हैं, मिलना पड़ेगा उन सबसे। सर क्या? सर वो कार मिल गई जिससे धर्मेश का खून हुआ है, ये देखिए सर, मड़ जट्टी की तरफ गई है। रेडी, लोकल पुलिस की मदद लो, उसी एरिया में जाके इस कार को ढूंढो। हम लोग भी देखना चाहेंगे कि बिना ड्राइवर की एक कार चलती कैसे है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आई होल हार्टेडली वेलकम ऑल माय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या तुम लोग जानते हो हमारे कंपनी का प्रॉफिट किसके वजह से बढ़ा है? एग्जैक्टली। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो शायद हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ता। लेट मी शो यू द फिगर्स।
प्रॉफिट के पीछे सारी मेहनत मैंने की, दिन रात एक कर दिया इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा हस्बैंड, उसको तो मेरी कदर ही नहीं है। मैंने मैडम आपको पहले ही समझाया था कि ये सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लो, लेकिन आप हैं कि शायद यही मेरी गलती हो गई। और आप लोग हैरान हो जाओगे ये बात जानकर कि इसका श्रेय मैं किसको दूंगा, खुद को, इस गगन के लगन को, परिश्रम को। गगन? तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुमने सर, गगन सर बात कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ और नीचे गिर गए। बार बार जीएमएम की तरफ देख के इशारा करके कह रहे थे तुम मुझे मारना चाहती हो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर गगन मरने से पहले यूं क्यों कह रहे थे कि आप उसे मारना चाहती हैं? सर मुझे नहीं पता कि गगन ने ऐसा क्यों कहा। इनफैक्ट मैं भी ये सोचकर बहुत हैरान हूँ, मैं उनको क्यों मारूंगी, वो मेरे हस्बैंड थे। सर मैडम ने मुझे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था, लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ कर पाता साहब ने दम तोड़ दिया, और मरते मरते सर उन्होंने ये बोला कि उनका दिल फटा जा रहा है। दिल फटा जा रहा है जी। उन्हें दिल की कोई बीमारी थी क्या? हाँ सर, 10 महीने पहले गगन ने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक थे। बोली ये क्या? सर ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये गगन हमेशा लिया करते थे। डॉक्टर ने कहा था कि जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं उनको ये लेना जरूरी होता है। सर धर्मेश ने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया था। वाह, और शायद इन दोनों की मौत की वजह एक ही है। ये किस हॉस्पिटल में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था? ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल। सर मैंने धर्मेश की फैमिली से पता किया, धर्मेश ने अपना लिवर ट्रांसप्लांट किसी ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में करवाया था। सर ये गगन का भी ट्रांसप्लांट इसी हॉस्पिटल में हुआ था। इन दोनों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ही हॉस्पिटल में हुआ है और दोनों की मौत हो गई, अजीब बात नहीं है? बात तो अजीब है सर। मैंने आके टॉप सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर रमेश से बात की है सर, वो कह रहे हैं कि हमसे मिलकर सारी डिटेल दे देंगे। सर ये बाबू, ये प्रतीक सीनियर मेडिकल स्टाफर्स, और श्री समंता और हेड नर्स। सर एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि धर्मेश और गगन की मौत के बारे में आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर रमेश हम सिर्फ डिटेल्स जानना चाहते हैं, यही कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब हुआ और डोनर कौन था। सर सर ये उन दोनों की फाइल्स है। गगन का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 4 अप्रैल 2017 को और धर्मेश का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था 5 अप्रैल 2017 को। इसमें पूरी डिटेल्स है। सर सर जब ये लोग यहाँ से गए थे तो बिल्कुल ठीक होके गए थे, ट्रस्ट मी। तो अगर साल भर बाद इनको कोई मार रहा है तो इसमें हॉस्पिटल का क्या लेना देना है सर? आपसे ये कौन कह रहा है कि हॉस्पिटल का लेना देना, हम तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करें। सर और कितना वक्त लगेगा पूछताछ करने में, क्योंकि हम लोग अपना काम छोड़ के आए हैं। किसी का खून हुआ है मैडम, वक्त तो लगेगा, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ये क्या? दोनों केसेस में डोनर एक ही है,
मिस रोमा, उम्र 28 साल, मौत की वजह ब्रेन हैमरेज, एक्सीडेंट ट्रॉमा। जी सर, मिस रोमा हमारी रजिस्टर्ड डोनर थी। एक्चुअली सर, 4 अप्रैल 2017 को रोमा का मेजर बाइक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसे हेड इंजरी हुई थी। इमरजेंसी बेसिस पे ऑपरेट करना पड़ा पर हम उसे बचा नहीं पाए। सॉरी, हम लोगों ने पूरी कोशिश की पर रोमा का बचना मुश्किल है। देखिए, पेपर वर्क आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके सिग्नेचर की ज़रूरत होगी ताकि उनके ऑर्गन्स हम किसी को दे सकें, क्योंकि वो यहाँ के रजिस्टर्ड डोनर थे। सब मिलकर मेरी रोमा को मारना चाहते हो ताकि तुम उसके ऑर्गन्स ले सको। अरे तुम लोग तो उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। देखिए, हमने बचाने की कोशिश की, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, पर रोमा के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ मत बोलो, कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी रोमा मर भी गई ना तो मैं तुम में से किसी को उसके शरीर को छूने तक नहीं दूंगा। अजय, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा हमारी रोमा को। हम भी चाहते हैं कि रोमा बच जाए। अजय बेटा, तुम तो जानते हो ना, रोमा भी बीमार लोगों के लिए कितना कुछ करती थी। रोमा भी चाहती थी कि उसकी मौत के बाद उसके ऑर्गन्स जरूरतमंद लोगों को दान की जाए। तुम लोग सब के सब जीते जी मेरी रोमा को मारना चाहते हो। खूनी हो तुम लोग, खूनी। अजय, अजय, अजय। सर, अजय बहुत ही अपसेट हो गया था। उसे लगता था रोमा को बचाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। सर, उसने तो हमको मेडिकल नेग्लिजेंस के केस की धमकी भी दी थी, लेकिन रोमा की माँ ने हम लोगों को बचा लिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्गन डोनेट होने की वजह से याजय धर्मेश और गगन से नफरत करने लगा और फिर उनका खून कर दिया? हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये रोमा के ऑर्गन्स कितने लोगों को डोनेट किए गए थे? सर, दो और लोगों को किए गए थे। हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए और रोमा का एड्रेस भी। जी सर। बाबू, आप बैठे। कार का कुछ पता चला क्या? ढूंढो फ्रेडी, ढूंढो। किसी भी तरह उस कार का हमें पता चलना चाहिए और उस ड्राइवर का भी, जो किसी को दिखाई नहीं दिया। खाले बेटा, ऐसा नहीं करते। खाले जी। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। जी आइए बैठिए। सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी वाले? हाँ। क्या बात है सर? वो रोमा से कनेक्टेड एक केस के सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। रोमा आपकी? वो मेरी बेटी थी। देखिए, दरअसल बात ये है कि रोमा के ऑर्गन जिन चार लोगों को दिए गए हैं उनमें से दो लोग धर्मेश और गगन, इन दोनों का खून हुआ है। क्या? मुझे पता है किसने मारा। किसने मारा? सर, आप उसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है? क्या मतलब? सर, ये हमारा बेटा है बंटी। रोमा की मौत के बाद इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुझे पता किसने मारा। मैंने मारा। मैंने मारा। चुप करो। मैंने मारा। चुप करो बंटी। बंटी, बेटा घबराओ मत, मत घबराओ। तुम जानते हो उन दोनों को किसने मारा है? तुम बताओ ना बेटा हमें। मैं
इस लैंप में ना जिन रहता है, तो मैंने बोला उस जिन को कि उन सबको मार दे। जिन ने मारा? हाँ, मैंने इस लैंप को ना ऐसे हिलाया तो इसमें से जिन आ गया और मेरे कहने पर उसने सबको मार दिया। सर, ये छोटा सा लैंप इसके बर्थडे पे इसे रोमा ने दिया था और तब से लेकर आज तक इसे साथ लिए घूमता है और इससे ही बातें करते रहता है। बहुत प्यार करती थी रोमा इसको। रोमा जी ने बोला था कि अगर मैं जितिन से चॉकलेट मांगूंगा ना तो मुझे चॉकलेट देगा, तोहफे मांगूंगा तो तोहफे भी देगा, खिलौने भी देगा। तो मैंने जितिन से कहा मेरी रोमा दीदी मुझको दे दे। तो जिन्हें ना सिर्फ रोमा दीदी के ऑर्गन्स कलेक्ट कर रहा है। जिसने रोमा दीदी के ऑर्गन्स लिए थे ना उनको ही मार रहा है, मेरे कहने पे मार रहा है सबको। चुप करो मेरे बच्चे। शांत हो जाओ, रोना बंद करो। वैसे भी आपने तो कुछ नहीं किया, जिन ने मारा है ना उसे। आप नहीं समझ रहे, जिन ने मेरे कहने पे मारा है सबको, जिनकी गलती। सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। प्लीज नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम समझ सकते हैं। एक बात साफ साफ पूछता हूं, आपको लगता है ये रोमा का मंगेतर है जय ये सब कर सकता है? पता नहीं सर, रोमा के ऑर्गन्स डोनेट करने के बाद से लेकर आज तक हमने उसे कभी देखा ही नहीं। हमने सुना है कि वो ऑर्गन डोनेशन के खिलाफ था। हाँ सर, वो रोमा से बहुत प्यार करता था इसलिए ऑर्गन्स डोनेट करने के खिलाफ था वो। ठीक है, हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़े तो फिर आएंगे। ओके सर। संभालिए अपने आप को। और ये इस अजय का पता लगाना चाहिए, कहां पर है वो, कहीं ऐसा ना हो कि ना दिखने वाली आत्मा बनकर वही खून किए जा रहा है। सर, ऐसे लोगों को तो तब पकड़ सकते हैं जब वो कुछ करें, एक्शन में हो। और सर, ये रोमा, इसने दो और लोगों को ऑर्गन डोनेट किया था, एक मिसेस अवंतिका है और एक मिस पिया। सर, अवंतिका का घर बंद है और उसका फोन भी अनरीचेबल है, ऐसा लगता है बाहर गई है। दूसरी जो पिया है उसके पेरेंट्स से बात हुई है, वो सेफ है। और सफेद गाड़ी के बारे में क्या पता चला? फ्रेडी पता कर रहा है उस गाड़ी के बारे में। गाड़ी मिल गई। बस इस केस में दो खास बात है। तो बताना क्या खास बात है? तो बता रहा हूं ना यार, ये दोनों खून जिन ने नहीं किए, ये खास बात है भैया, ये खास बात हमें पता है। ये खून जिन ने नहीं किया है, ये खून किसी इंसान ने किया है। अब ये खून उस गाड़ी में बैठे हुए बिना दिखने वाले इंसान ने खून किया कैसे, ये बता। वही बता रहा हूं, बस कोई था कार में, जरूर कोई था जिसने धर्मेश के पेट में गोली मारी। मगर कैसे सर, और किसने? दया, ये दोनों खून काफी प्लानिंग के साथ की गई है क्योंकि दोनों खून मेडिकली एक्यूरेट है। खूनी जो भी है उसे मेडिकल साइंस की पूरी जानकारी है। मैं बताता हूँ, धर्मेश के पेट में लिवर के पास कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या है वो? ये बारूद के छोटे छोटे टुकड़े हैं बॉस, शॉटगन। मगर डॉक्टर साहब, इससे कैसे पता चला कि ये खूनी मेडिसिन का जानकार है? दया, किसी भी इंसान के पेट में गोली लगते ही वो मर नहीं जाता, राइट? राइट। लेकिन देखने वालों ने तुम लोगों को बताया कि धर्मेश की मौत गोली लगते ही हो। हाँ। तो हुआ ये होगा बॉस कि किसी ने जानबूझकर धर्मेश के पेट के नीचे की तरफ निशाना लगा करके गोली मारी, वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया, उसकी नसें फट गई, बहुत जबरदस्त खून बहने लगा और वो मर गया। जानबूझकर किसी ने वहीं पर निशाना लगा के गोली मारी। और ये बात मेडिकल जानकार को ही पता होती है। और सर,
इस गगन का भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और आपने बताया था कि मरने से पहले वो चिल्ला रहा था कि उसका दिल फटा जा रहा है। वो नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। तो फिर क्या था? उसकी हार्ट बीट्स को किसी स्टिमुलेंट के जरिए बढ़ाया गया था। जीटा एपेटिमाइन। ये बहुत जबरदस्त स्टिमुलेंट है। इससे हार्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। लेकिन उसे जीटा एम्फेटामाइन दिया कैसे? ये हार्ट रेट स्टिमुलेंट दिया कैसे? बस ये पता लगाना भी बाकी है कि इसे ये स्टिमुलेंट ओरली दिया है या इंजेक्शन के जरिए। मतलब दया, ये खूनी मेडिसिन की अच्छी जानकारी रखता है कोई डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक या फिर ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल से तो कोई नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में तीन तरह के लोग आते हैं। एक होता है ऑर्गन देने वाला, मतलब डोनर। दूसरा है ऑर्गन लेने वाला और तीसरा है ऑर्गन का इंतजार करने वाला मरीज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मरीज के रिश्तेदार ने या घर वाले ने ये सारा खून का मामला शुरू कर दिया? हो सकता है सर। एक काम करते दया, शहर में जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं ना, सबसे पता लगा दे कि पिछले 24 घंटे में किसी ने जीटा एम्फेटामाइन खरीदा है क्या। और तो और, इस ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भी पता लगाओ कि उनके फार्मेसी में से जीटा एम्फेटामाइन ने खरीदा है क्या। बाय पापा। या बेटा, ये बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने मना किया था, मैंने कहा है ना कुछ दिनों के लिए घर से मत निकलना। घर पे बैठकर बोर हो रही हूँ पापा। बस सीआईडी ने कहा है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो लोग उन लोगों को मार रहे हैं ना जिनको रोमा के ऑर्गन्स दिए गए थे, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा बेटी, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है, सीआईडी जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। कुछ पता चला उन लोगों का? अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, रिया को हम लोग सेफ हाउस में ले जाते हैं इनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है सर। हाँ पूर्वी। सर, रोमा का ऑर्गन जिस चौथे पेशेंट को डोनेट किया गया था उसका नाम अवंतिका है, वो मेलबोर्न गई थी। मेलबोर्न में? तो इंडिया कब आ रही है? सर, उसके फैमिली के हिसाब से तो वो ऑन द वे है। कल रात की उसने फ्लाइट ली है। अगर उसने कल फ्लाइट ली थी तो आज तो इंडिया आ चुकी होगी। उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? कुछ हुआ तो नहीं उसको? पता नहीं सर। रहती कहाँ है, कुछ पता किया? हाँ सर, वो यहाँ पर दहीसर में रहती है। मैं बस उसके घर ही जा रही हूँ। एक घंटे में पहुँच जाऊंगी। वो भी जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो। तब तक हम लोग प्रिया को सेफ हाउस छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। ओके। यस सर, बस ऑन द वे। एक बात समझ ही नहीं आ रही है, अगर कोई जिन नहीं है तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था और धर्मेश को किसने मारा? यार फ्रेडी, ये जिन विन कुछ नहीं होता, ये बात तुम समझ लो। और जो इंसान इन सबके पीछे है ना, उसके बहुत करीब है हम लोग। पर चलते हुए गाड़ी में किसी ने कुछ तो देखा होगा ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए। उसे गोली भी मारनी थी और यहाँ ड्राइविंग सीट पे छिपने की जगह कहाँ है? क्या कहा तारिका तुमने? छुपने की जगह, छुपने की जगह। क्या हुआ? दोनों सीट को बारीकी से देख, देख तुझे कुछ दिखता है क्या? हाँ यार,
फर्क है उसमें और इसमें फर्क है ना? सबसे बड़ा फर्क है ये पैडिंग, और फिर ये देख इसी तरह का बड़ा पैच देख यहाँ पे चिपकाया गया है, और ये देख कितना ढीला है। ये इतना ढीला किस लिए है? ड्राइवर इसके अंदर घुस कर बैठा था पूरा का पूरा, ऐसे यहाँ से फिर दिख रहा था इस कैमोफ्लाज सीट कवर में। कैसे पता चलेगा कोई बैठा है? इसे कहते ह्यूमन कैमोफ्लाज। बड़ा चालाक है ये, बहुत चालाक। बंटी को जाके बताना चाहिए कि उसकी जिन ने कोई खून नहीं किया है, उसका जिन निर्दोष है। बेचारा बहुत परेशान होगा बच्चा। अरे तुमने डॉक्टर रमेश से उनके साथियों को बताया तो नहीं ना कि हमने क्या है? सर जैसा आपने कहा है मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। डॉक्टर रमेश और संता मैडम ऑफ ड्यूटी है, प्रतीक सर किसी काम से बाहर गए हैं, और बाबू सर का इस विंग से कोई लेना देना नहीं है। और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो वेटिंग में थे उनके किसका है? सर करीब प्रिंट आउट है, मैंने डॉक्टर रमेश के कंप्यूटर से ये निकाले। सर ये देखिए, ये फार्मेसी से कल सुबह डॉक्टर रमेश के नाम पे एक हार्ट स्टिम्युलेंट इश्यू हुआ था, जीटामफेटामाइन। पूरे रैकेट के पीछे डॉक्टर रमेश का हाथ तो नहीं है? हो सकता है सर, इस केस में कुछ भी हो सकता है। पंकज, डॉक्टर रमेश नहीं बल्कि कोई और भी तो हो सकता है। ये देखो, ये जो पेशेंट है वेटिंग लिस्ट में, उसके सामने रिकमेंडेशन इन साहब का है। ऐसा लगता है इनके किसी अपने को ऑर्गन की जरूरत थी। जरा पता करो इनको वो ऑर्गन मिला था या नहीं। आपने तो हमारे दिल पे से बोझ हल्का कर दिया, वरना हम दोनों तो बहुत डरे हुए थे। सर जब से हमें पता चला है रोमा के ऑर्गन्स जिन जिन को लग रहे वो सबके खून हो रहे, ये जानकर तो हम दोनों बहुत सहम गए। स्वाभाविक है। वैसे बंटी कहाँ है? मैं बंटी से मिलना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी जिन ने कुछ भी नहीं किया। बच्चा है, परेशान होगा। सर जब से आप लोग बंटी से मिलकर गए हैं तब से हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है और किसी से भी बात नहीं कर रहा है। सर मैं समझ सकता हूँ, मैं देखता हूँ उससे बात कर, वही कमरा है ना? हाँ पूर्वी। सर जिस तीसरी लड़की प्रिया को ऑर्गन डोनेट किया गया था अभी जिस सर ने उसे सेफ हाउस में रख दिया। गुड। मगर चौथी लड़की अवंतिका, उसकी जान को खतरा है सर, उसका फोन बंद आ रहा है। उसकी जान को खतरा है? अच्छा कहाँ रहती है वो? मैं पहुंचता हूँ, एड्रेस भेजो मुझे। सर 74 GA पार्क दही सर। 74 GA पार्क दही सर। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं अभी बोरीवली में हूँ रोमा के घर पर, बस मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ। ठीक है। हाँ सर। अभी जी सर निकल चुके हैं, ऑन द वे ही है। ठीक है मैं भी पहुंचता हूँ। ओके बंटी, बंटी बेटा, बंटी। अरे ये बंटी कहाँ गया? बंटी कहाँ है? कमरे में नहीं है वो। यही तो था बंटी, कहाँ चला गया? हे भगवान मेरा बच्चा गया कहाँ बंटी? जब से मेलबर्न से आई हूँ तब से फोन ऑफ है, ना जाने किस किस का फोन आया होगा। इस वक्त कौन आ सकता है? जी आप कौन? अवंतिका जी। हाँ मैं अवंतिका हूँ। इस तरफ आइए, देखिए मैं CID से हूँ। CID? और यहाँ आपकी जान को खतरा, आपको कोई जान से मारना चाहता है? मुझे कोई क्यों मारना चाहता है? देखिए रोमा ने जिन जिन लोगों को ऑर्गन डोनेट किया।
सोसाइटी से लालची और मतलबी लोगों का सफाया। ज्यादा पैसे देके किडनी ली थी ना। जिन, जिन, रुक जाओ। तुम ऐसे रोमांटिक को वापस नहीं ला सकते। मत मारो उसको। इसमें आ जाओ। जिन, जल्दी आ जाओ। प्लीज मत मारो उसको। जिन, जिन, आओ ना। पूर्वी, 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 पानी, पूर्वी, 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 सर, अवंतिका कहाँ है? देखो तुम ठीक हो, बैठो। अरे सर, सर मर गई। कैसे, कैसे हुआ ये सर? सर पता नहीं सर, कोई आया और सर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। बंटी आया था यहाँ पे? नहीं सर, बंटी तो नहीं। नहीं था यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। सर मतलब खूनी बंटी को अपने साथ ले गया। सर कैसे पता चलेगा कहाँ लेके गए? वो डॉक्टर रमेश और उसके स्टाफ को ट्रैक करो, बंटी का पता चल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, आगे आगे से लेफ्ट, ये लेफ्ट। हाँ यस यस। कहाँ पर है फ्रेडी? सर लेफ्ट, लेफ्ट सर, यहीं पे, यहीं पे। सर ये डॉक्टर रमेश का फोन है। डॉक्टर रमेश का फोन है? तुम्हें डॉक्टर रमेश कहाँ है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह करने के लिए फोन यहाँ पे फेंक के कहीं भाग गया हो? सर फोन में इंसोल ऐप है सर। इंसोल ऐप मतलब? इंसोल ऐप मतलब सर आपके जूते का जो सोल होता है उसके अंदर एक चिप होती है, जो चिप आपके मोबाइल से कनेक्टेड होती है, तो इस फोन से पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है? सर ये आसपास कहीं है, एक किलोमीटर के दायरा, देखते हैं। रुक जाओ, आगे मत आना, मत आना, आगे बता रहा हूं, मैं चला दूंगा। रुक जाओ, मैं चला दूंगा भाई। चल, हिलना नहीं, आइए, संभल के। तुम्हारी बीवी उस लिस्ट में थी ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में, और उसकी मौत हो गई। इसने खून किया है मेरी बीवी का। डॉक्टर रमेश ने मारा? हाँ सर। सर सर ये झूठ बोल रहा है सर। ये डॉक्टर के विष में दलाल है सर, लालची है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अंगों का व्यापार करता है सर। ये चाहते तो मेरी बीवी बच सकती थी। जो बोलना है साफ-साफ बोलो, क्या बोलना चाहते तुम? सर रोमा के ऑर्गन मेरी बीवी की जान बचा सकते थे, इसने वादा भी किया था, पर ज्यादा पैसे लेके वो ऑर्गन किसी और को दे दिया सर। झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा हूँ? झूठ ये बोल रहा है सर, पैसे के लिए न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ली है इन्होंने सर। डॉक्टर रमेश, पैसों के लालच में अपने अपने पेशे के साथ गद्दारी किया तुमने।
लोगों की जान के साथ खेला है तुमने। उन लोगों का क्या दोष था जिन्होंने ऑर्गन लिए थे, उन्हें क्यों मारा? सर वो लोग भी तो मेरी बीवी को मारने में बराबर के जिम्मेदार थे। इन्होंने ज्यादा पैसे देके अपना नंबर आगे कर लिया सर, और हम जैसे गरीब लोग अपने नंबर के इंतजार में इंतजार करते करते मर जाते। इसलिए मैं इन सब लोगों को मार देना चाहता था, इसलिए मार देना चाहता था सर। डॉक्टर प्रतीक, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे साथ बेईमानी हुई तो तुमने 3 मासूम लोगों की जानें ली। बहुत गलत किया तुमने। क्या उन 3 मासूम लोगों की जानें लेकर तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस मिल गई? नहीं ना। अरे तुम तो एक डॉक्टर हो, डॉक्टर लोगों की जानें बचाता है, जानें लेता नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.